दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, छठ के बाद भीड़ नियंत्रित करने को बिहार से चलेगी 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, छठ महापर्व बाद यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूर्व मध्य रेल की ओर से पटना बरौनी और दरभंगा से दिल्ली मुंबई और पुणे के मध्य 4 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इनमें गाड़ी संख्या 03777 और 778 पटना आनंद विहार टर्मिनल पटना, इसके अलावा 03818182 पटना पुणे पटना, 05297 98 बरौनी लोकमान्य तिलक टर्मिनल बरौनी तथा 05777 78 दरभंगा दिल्ली दरभंगा सहित कुल 4 जोड़ी स्पेशल शामिल है। अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में फिर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। आज से मेडिकल कॉलेजों की नहीं चलने देंगे ओपीडी, 1000 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जी हां, बिहार में इंटर्न डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। बुधवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से लेकर राज्य के सभी अस्पतालों से आंशिक हड़ताल के बाद गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वह ओपीडी को बंद कराएंगे, 5 साल से स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है, इससे इंटर्न डॉक्टरों में आक्रोश है। बुधवार को आधे घंटे तक ओपीडी बंद कराने से मरीज को थोड़ी परेशानी हुई और गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद मरीजों की समस्या बढ़ जाएगी। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इंटर्न डॉक्टरों को सपोर्ट में उतर गया है और जूनियर डॉक्टरों भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में हड़ताल का असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा। बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार ने गंगा छठ घाटों का किया निरीक्षण, पदाधिकारियों को दिए ये निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा नदी के जलस्तर और प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। यह भी सुनिश्चित करें कि छठ व्रतियों को हर प्रकार की सहूलियत मिले, उनकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखे, घाटों के पास ठीक ढंग से बैरिकेडिंग कराए, साथ ही नदी किनारे के सड़कों के पास भी बैरिकेडिंग कराए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को महापर्व छठ को लेकर गंगा के घाटों का निरीक्षण किया। स्टीमर से गांधी घाट से पटना सिटी कंगन घाट और फिर दानापुर के नसीरगंज तक घाटों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा नदी की टापूनुमा संरचना पर छठ व्रतियों को अर्घ देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। अगली बड़ी खबर, चेतावनी स्तर से पार हुई गंगा, आगे और बढ़ने की संभावना। जी हां, बीते 24 घंटे में भागलपुर में गंगा के जलस्तर में महज 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। बीते 14 घंटे से भागलपुर में गंगा का जलस्तर 32.69 मीटर पर बना हुआ है, जो कि वार्निंग लेवल 32.68 मीटर से 1 सेंटीमीटर अधिक है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमानों की माने तो अगले 22 घंटे यानी गुरुवार की शाम 4 बजे तक गंगा के जलस्तर में 5 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार 26 अक्टूबर को दोपहर बाद 2 बजे भागलपुर में गंगा का जलस्तर 32.67 मीटर था, रात 9 बजे तक इसी स्तर पर बना रहा। देर रात 10 बजे गंगा का जलस्तर 32.68 मीटर पर पहुंचा तो बुधवार की सुबह 4 बजे बढ़कर 32.69 मीटर पर पहुंच गया। इसके बाद से लेकर शाम 6 बजे तक भागलपुर में गंगा का जलस्तर इसी बिंदु पर ठहरा हुआ था। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार की शाम 4 बजे तक 5 सेंटीमीटर की वृद्धि के साथ गंगा का जलस्तर 32.74 मीटर पर होगा। बड़ी खबर, लालू को देखने के लिए बेकाबू हो गई भीड़, तारापुर की जनसभा में टूटी बैरिकेडिंग। जी हां, पूरे 6 साल बाद बुधवार को बिहार के राजनीतिक मैदान में उतरे लालू यादव को देखने के लिए तारापुर में भीड़ बेकाबू हो गई। उनका हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर मंडराता नजर आया तो नीचे लोग हेलीपैड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ के उत्साह में बैरिकेडिंग टूट गई। सुरक्षा में तैनात जवानों को भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पूरे समय खासी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि तारापुर के गाजीपुर स्थित ईदगाह मैदान में लालू यादव को सुनने के लिए सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी।
करीब 12:40 में लालू यादव का हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा। लालू यादव के स्टेज पर पहुंचते ही भीड़ अनियंत्रित हो गई। गाजीपुर मैदान में बनाए गए बैरिकेडम पर चढ़ते हुए भीड़ स्टेज के करीब पहुंच गई। सैकड़ों युवा स्टेज के नीचे इकट्ठा होकर लालू यादव को सुनने के लिए खड़े हो गए। लालू यादव के पूरे भाषण में युवाओं की तालियां बजती रही। बड़ी खबर, तेजस्वी का बड़ा ऐलान, चुनाव बाद गांधी मैदान में होगा बेरोजगार रैला, 19 लाख रोजगार का हिसाब मांगेगी आरजेडी। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर 30 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। 2 नवंबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट का रिजल्ट भी आ जाएगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव बाद भी प्लान सेट कर लिया है। जी हां, तेजस्वी ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा है कि इलेक्शन के बाद पटना के गांधी मैदान में देश का सबसे बड़ा बेरोजगार रैला का आयोजन किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि कल सीएम नीतीश के सामने कुछ नौजवानों ने उनसे पूछा कि 19 लाख रोजगार में से कितने लोगों को नौकरी दी गई, 19 लाख रोजगार का मिलेगा। कल सीएम के आने के बाद उन बच्चों को जेल में ठुसवा दिया गया जिनका कोई दोष नहीं है, उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, उनका क्या दोष है, जेल में तो सरकार को होना चाहिए जिन्होंने बिहार की जनता से झूठा वादा किया। चुनाव खत्म होने के बाद आरजेडी गांधी मैदान में बेरोजगारों को लेकर रैला निकालेगा। बड़ी खबर, बिहार में दिसंबर तक खोलेंगे 21 नए सीएनजी स्टेशन, पटना समेत इन जिलों में तेजी से चल रहा है काम। जी हां, अगले 2 माह में पटना के साथ मुजफ्फरपुर, भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली जैसे जिलों में नए सीएनजी स्टेशन खोलेंगे। अगले 2 माह में कुल 21 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। वहीं वर्तमान में पटना में 12, बेगूसराय में 2 जबकि रोहतास, गया और नालंदा में 1-1 सीएनजी स्टेशन है। दिसंबर तक सीएनजी स्टेशनों की संख्या 38 तक करने का लक्ष्य है। पटना में बाढ़, घोसवारी, बख्तियारपुर और पंडराक में नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी शिक्षण परीक्षण संस्थानों में 16 नवंबर से नया सत्र, छात्रों की उपस्थिति पर अहम निर्णय। जहां प्रदेश के सरकारी शिक्षण परीक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अब स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध कर डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे। इसके लिए विद्यार्थी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से भी मिलेंगे और जानकारी प्राप्त कर डॉक्यूमेंटेशन को अंतिम रूप देंगे। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को सभी 66 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों की बैठक में यह निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बैठक में नए सत्र में ऑनलाइन नामांकन की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राचार्यों से ली और पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत 16 नवंबर से विद्यार्थियों की कक्षाएं आरंभ करने का आदेश दिया। बैठक में यह बात भी सामने आई कि कोरोना महामारी में शिक्षण प्रशिक्षण की ऑनलाइन कक्षाओं में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी रही। बड़ी खबर, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, टेस्ट के नियमों में बदलाव से मिलेगी राहत। जहां बिहार में अस्थाई लाइसेंस के आवेदक के लिए अब ड्राइविंग टेस्ट पास करना आसान होगा। परिवहन विभाग ने टेस्ट के नियमों को थोड़ा सरल कर दिया है। जी हां, पटना के जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश ने बताया कि परिवहन मुख्यालय ने टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देने को थोड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया है। पहले टेस्ट देते समय जमीन पर पैर रखने पर असफल कर दिया जाता था, अब टेस्ट देते समय गलती से जमीन पर 2 बार पैर रखने पर भी उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पटना में ड्राइविंग टेस्ट के लिए कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग ट्रैक तैयार कर लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की पैर भी काम नहीं करती है और सब कुछ स्वतः कंप्यूटर में रिकॉर्ड होते जाता है। बिहार के बाकी जिलों में भी जल्द ही ऐसे ट्रैक बनवाने की योजना है। इसमें अधिकारी की मनमानी भी नहीं चलती है। अगली बड़ी खबर, बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन भी रुकेगा, 12 दिसंबर के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया। जी हां, बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के कारण शिक्षण के नियोजन की प्रक्रिया बाधित हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी कारण माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ी खबर जल्दी सामने आ सकती है। अब प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को भी स्थगित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश भी जारी कर सकता है।
अगली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी के रैली में धमाका करने वाले 9 आरोपी दोषी बरकरार, 1 नवंबर को होगी सजा। जी हां, पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले 27 अक्टूबर को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी की हुकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट कर तबाही मचाने वालों को अब उसकी सजा भुगतनी होगी। NI कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 1 को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इन मामले में सजा सुनाने के लिए 1 नवंबर की तारीख मुकरकर की है। इस फैसले पर सभी की नजरें टिकी थी। आपको बता दें कि इस कांड में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 89 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। बड़ी खबर, सबको बाहुबली बनाने के लिए अगले महीने से केंद्र सरकार की नई मुहिम। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण बीमारी के खिलाफ अगले महीने से नई मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। हर घर दस्तक मुहिम के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को टीका लगाएंगे। इस दौरान दूसरे डोज से वंचित लोगों के साथ ही अब तक एक भी डोज नहीं लगवाने वालों को भी टीका दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्य तौर पर फोकस देश के उन 48 जिलों पर किया जाएगा जहां 18 साल या इससे अधिक उम्र के 50% से कम आबादी को कोरोना का टीका लगा है। बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा, लवलीना और मिताली समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा अवार्ड, इनमें 5 पैरा एथलीट भी। जी हां, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम साल 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया है। इनमें 5 पैरा एथलीट भी शामिल है। पिछले साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया था। 2016 में हुए रियो ओलंपिक के बाद 4 खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिला था। इस लिहाज से इस बार किसी भी एक साल में खेल रत्न के लिए सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को चुना गया है। आपको बता दें कि नीरज के अलावा इस लिस्ट में रवि दहिया जो कि कुश्ती से, प्रियार राजेश हॉकी से, लवलीना बरगोहन बॉक्सिंग से, सुनील छेत्री फुटबॉल से, मिताली राज क्रिकेट से, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से, सुमित आंटिल पैरा बैडमिंटन से, अवनील लेखरा पैरा शूटिंग, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन और M नरवाल पैरा शूटिंग के नाम मौजूद है। छठ की छुट्टी के बाद ऑफलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल, 50% अटेंडेंस की लिमिट भी होगी खत्म। जी हां, कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले भी तो तीसरी लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा है। लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टी के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद स्कूल जब खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। LKG और UKG की पढ़ाई अब तक कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लासेस शुरू कर दिया गया है। आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार उपचुनाव के दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जीतने वाली है, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।